क्या आप सेफ हैं अगर आप जूम ऐप यूज कर रहे हैं और कितने? वेल, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या मेन इश्यूज हैं जूम ऐप के साथ और क्या उसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं। Hey, what's up? मेरा नाम है शिवम और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो मैं जूम ऐप यूज़ कर रहा हूँ कुछ महीनों से और मेरे यहाँ पर कुछ कोई खास इश्यूज नहीं आए, पर रिसेंटली बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज आने लग गए हैं इसके अंदर इंटरनेट के ऊपर। और मेनली इस वजह से है कि जो जूम ऐप है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, एकदम से सर्ज आ चुका है इस ऐप के अंदर और इसके यूजर्स में। यहाँ पर इस ऐप के यूजर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जो कि 10 मिलियन डेली एक्टिव यूजर थे जो दिसंबर 2019 में थे और 200 मिलियन डेली एक्टिव यूजर हैं। तो ये ऑलमोस्ट 1900% इंक्रीज है इसके यूजर डेटाबेस में, यूजर एक्टिव यूजर्स में, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। पर इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ गए हैं इसके अंदर। हालांकि जो जूम ऐप है वो शुरू से ही, जब से ये ऐप आई है तब से इनके बहुत ही अच्छी सिक्योरिटीज के अरेंजमेंट नहीं है, पर जैसे जैसे यूजर्स ग्रो कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस करते हैं इसका जो मेन इशू है। तो जैसे आप जानते हैं कि जब भी आप जूम कॉल करते हैं किसी को तो यहाँ पर ऐप एक मीटिंग आईडी जनरेट करती है जो कि 9 से 11 डिजिट का नंबर होता है। और यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सीधा रैंडम नंबर जनरेट करके देख रहे हैं 9 से 11 का, ताकि वो किसी भी ऐसे ज्वाइन कर लें किसी भी मीटिंग के अंदर, रैंडम मीटिंग में। और ये बहुत ज़्यादा डरावनी बात है। हालांकि यहाँ पर किसी की इतनी अच्छी किस्मत भी हो सकती है कि वो सीधा ही किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की मीटिंग में कनेक्ट कर ले उसके बीच में, तो ये काफ़ी ज़्यादा डराने वाली चीज़ है। और यही एक बहुत बड़ी मेजर रीज़न है जिसकी वजह से एप्पल, टेस्ला, काफ़ी बड़ी कंपनी नासा और गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ को वॉर्न किया कि इस ऐप को ना यूज़ करें। और 16 अप्रैल 2020 को साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ने कहा है कि जूम ऐप को यूज़ नहीं करना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स ने फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। और यहाँ पर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी रिलीज़ किए हैं यूजर्स के लिए जो स्टिल यूज़ करना चाहते हैं जूम को फॉर प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर आप उन गाइडलाइंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे दी हुई PDF देख सकते हैं। पर यहाँ पर इंडिया ही नहीं, सिर्फ जर्मनी और ताइवान ने भी जूम ऐप को यूज़ करना बैन कर दिया है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। हालांकि यहाँ पर जो इनके डेवलपर्स हैं ऐप के, वो ट्राई कर रहे हैं इसको फिक्स करने में सिक्योरिटी इश्यूज को, पर अभी के लिए यही सीन है, अभी इतनी ज्यादा सिक्योर्ड ऐप नहीं है ये। और जो सेकंड इश्यू मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में वो है कि जूम टारगेटिंग एड्स के बारे में। तो जूम ऐप सेंड कर रहा था डेटा फेसबुक को टारगेटेड एड्स के लिए, और ये बिना यूजर के परमिशन के था, तो अपनी मर्जी से पीछे बैकग्राउंड में भेज रहा था। और यहाँ पर जो iOS यूजर थे जूम ऐप के, उनकी हैबिट भेजता था कि किस तरह से वो ऐप को यूज़ करते हैं। और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन वो भेज रहे थे वो ये है कि जैसे मॉडल नंबर फ़ोन का या उसका जो कैरियर है, जो कि नेटवर्क है, और यहाँ पर ऐप्स क्या ओपन कर रहे हैं और वो सब चीज़ें। तो ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ है। तो अगर आप मेरी एडवाइस हैं तो मैं कहूँगा इस ऐप को अभी के अभी डिलीट कर दीजिए, और मतलब वेट करिए जब तक चीज़ें और अच्छी नहीं हो जाती। तब तक के लिए आप इन सब ऐप्स के ऊपर, मतलब कुछ ये ऐप्स हैं इनके ऊपर आप स्विच कर सकते हैं तब तक के लिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम बहुत ही बढ़िया है, स्काइप, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, मैसेंजर, गूगल डुओ या फिर फेस टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ठीक है बाकियों से। पर अभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जूम ऐप सेफ़ नहीं है और आपको किसी और ऐप पे स्विच कर लेना चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई और ऐप है जो आप यूज़ कर रहे हैं और आपके लिए ठीक बढ़िया चल रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं वो क्या है, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई, और अगर आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।